हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है, आप देखेंगे इनबॉक्स टैग। आज मैं आपको बताऊंगे किसी एनोनमस नंबर से आप कस्टम एसएमएस कैसे सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप कोई भी एक ऐसा ब्राउजर डाउनलोड कर लें जिसका डेटा आप बार बार क्लियर कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूसी टर्बो को यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें आपको सर्च करना है ए फ्री एसएमएस। जैसे यहाँ पर सर्च आ जाए आपको ए फ्री एसएमएस डॉट कॉम वाली वेबसाइट को ओपन कर देना है। तो इसके बाद ऊपर एक ऑप्शन आएगा, इसमें सेंड फ्री एसएमएस वाला, उस पर क्लिक कर दें। फिर आपको कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब आपको उस पेज के सबसे नीचे जाना है और उसमें आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बड़े वाले बॉक्स में अपना एसएमएस टाइप कर देना है जो भी आपको सेंड करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये वाला मैसेज टाइप कर दिया है। अब आपको यहाँ से ऊपर से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जिस कंट्री में आपको एसएमएस सेंड करना है। मैं आपको इसमें अपने ही नंबर पर एसएमएस सेंड करके दिखाऊंगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 91 आने के बाद वो नंबर टाइप कर देना है जिस पर आपको एसएमएस सेंड करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर वेरिफिकेशन वाले कैप्चा को फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद सेंड पे क्लिक कर दें। फिर इसके कुछ सेकंड बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएमएस आ जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज है जो मैंने टाइप किया था, और आप देख सकते हैं ऊपर कोई भी एक रैंडम नंबर आ गया है। आप इसमें 150 कैरेक्टर तक का कस्टम एसएमएस सेंड कर सकते हैं। दोबारा मैसेज सेंड करने के लिए आपको उस ब्राउजर का डेटा रिसेट करना है और फिर से दोबारा ओपन करें। फिर से वेबसाइट को सर्च करें ए फ्री एसएमएस। फिर सबसे ऊपर वाली वेबसाइट को ओपन कर दें। फिर पेज के ऊपर से सेंड फ्री एसएमएस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें। फिर नीचे से आई एग्री पर क्लिक कर दें। अब इसके बाद बड़े वाले बॉक्स में अपना कस्टम एसएमएस टाइप कर दें। आप यहाँ पे कम से कम 50 कैरेक्टर्स टाइप करें, नहीं तो मैसेज सेंड नहीं होगा। मैसेज टाइप करने के बाद ऊपर से कंट्री सेलेक्ट कर लें। और फिर उसके बाद नंबर को टाइप कर दें। नंबर टाइप करने के बाद इस कैप्चर को फिल कर दें। कैप्चर करने के बाद सेंड पर क्लिक कर दें। फिर आपका मैसेज कुछ सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मैसेज आ चुका है। और आप इसमें फ्री में कितने भी एसएमएस बार बार डेटा रिसेट करके सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।